सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, वो भी बिल्कुल फ्री। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, इन द लास्ट क्लास आई टॉक्ट यू अबाउट द एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में सिर्फ तीन ही टेंस थे जिसके पैसिव वॉइस बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट द एक्टिव एंड पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, एक्टिव और पैसिव, अब ये आपके लिए नई चीज़ नहीं रह गई होगी अगर आप मेरे वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो, कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सीधा टॉपिक पे बात करते हैं और सबसे पहले देखते हैं वो कन्वर्सेशनल वीडियो, तो लेट्स वॉच। ओके मिस्टर यादव जी, टेल मी हाउ मच मिल्क डू दिस काउज गिव? Which one? Black one or brown one? Black one. Couples of liter per day. And brown one? Couples of liter per day. What do you give them to eat? Which one? Black one or brown one? No. Black. Black one eats grass. And others one? It also eats grass. Oh, I see. Why do you keep asking which one when the answers are the same? Because the black one is mine. And brown one? It's also mine. Okay, friends. तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक। कम पास्ट इंडेफिनिट टेंस वॉइस। आई हैव रिटन दिस फॉर्मूला फॉर द पैसिव सेंटेंसेस, कि हम एक्टिव का पैसिव कैसे बनाते हैं। उसका यह फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वी थ्री प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस लिखा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव सेंटेंस होता है वो आप अच्छी तरह से जानते होंगे अगर आपने टेंस वाला वीडियो देखा होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट के बाद वी टू, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में हम वी टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम ही ब्रोक माय पेन, उसने मेरी पेन तोड़ी, तो इसका हम पैसिव बना रहे हैं। माय पेन, यहाँ पर हम माय को साथ में लेंगे, सिर्फ पेन को नहीं। तो माय पेन वॉज ब्रोकन बाई, यहाँ पर ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है, हिम। ओके फ्रेंड्स, अब आप खुद बनाकर मन में बनाइए, दे ब्राउट साइकिल फॉर मी, उन लोगों ने मेरे लिए साइकिल लाया, उन लोगों ने मेरे लिए साइकिल लाई, कैसे बनेगा? तो फॉर मी हम साथ में नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जैसे माई पेन लिखा था ना, यहाँ पर फॉर मी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर माई योर his or their इस तरह से रहता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, तो उनको हम दोनों को साथ में लिखते हैं क्योंकि दिस इज पोसेसिव, तो पोसेसिव रहता है तो उनको दोनों को साथ में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉर है, यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन है, इसे यहाँ पे फॉर हम अलग रखेंगे और मी भी अलग रखेंगे। यहाँ पर जो मेन चीज़ है ऑब्जेक्ट समझना है। जब इस तरह की सेंटेंस आए जब आपको ऑब्जेक्ट समझ में ना आए, कभी कभी स्टूडेंट्स गलत करते हैं तो यहाँ पर मी को ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं और उसके हिसाब से बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर दे ब्राउट साइकिल, वे लोग साइकिल लाए, क्या लाए वो लोग? साइकिल लाए फॉर मी, मेरे लिए, मैं अदर्स हो गया, मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो गया इसमें साइकिल। तो हम साइकिल को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, द साइकिल वॉज ब्राउट फॉर मी बाय देम।
यहां पर लिखेंगे बाय देम, ठीक है फ्रेंड्स। हिज ब्रदर ओन द कंपटीशन, उसके भाई ने कंपटीशन जीत लिया, प्रतियोगिता जीती। तो यहां पर सिंपल है, उसने क्या जीता, प्रतियोगिता जीता। द कंपटीशन इज द ऑब्जेक्ट, तो यहां पर वो सब्जेक्ट बन जाएगा द कंपटीशन वॉज ओन बाय हिज ब्रदर। द कंपटीशन वॉज ओन बाय हिज ब्रदर, सिंपल है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हुआ एक्टिव से पैसिव, अभी हम पैसिव टू एक्टिव सीखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने पैसिव सेंटेंसेस कुछ लिख रखे हैं बोर्ड पर, उसका हम एक्टिव बनाते जाएंगे। अभी आपको अच्छी तरह से पता है कि जब हम एक्टिव का पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। सब सारे जितने भी हम वॉइस बनाते हैं सब में, लगभग सब में यही यूज होता है, यही फॉर्मूला यूज होता है। जब अलग जैसा आएगा तो मैं उस पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पैसिव सेंटेंस को एक्टिव में टर्न करते हैं। द चेयर वॉज मेड बाय हिम, कुर्सी उसके द्वारा बनाई गई। तो मेड बाय हिम, बाय के बाद जो भी आ रहा है ये ऑब्जेक्ट होता है, तो हिम का ही हो जाएगा, ही मेड द चेयर, सिंपल है। अगर आपको पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाने के फॉर्मूला याद है कि कैसे बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये याद है तो आप पैसिव से एक्टिव में आप टर्न कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे। आपको एक्टिव यानी कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला है, मेकिंग फॉर्मूला टेंसेस के, वो आना चाहिए। तो दैट ट्री वॉज कट बाय देम, उस पेड़ को उन लोगों के द्वारा काट दिया गया। तो यहाँ पर बाय देम है, तो देम का सब्जेक्ट होगा दे, तो दे कट दैट ट्री, सिंपल, दे कट दैट ट्री, ठीक है फ्रेंड्स। अभी दिस वर्क वॉज डन बाय मी, दिस वर्क वॉज डन बाय मी, तो मी हो गया आई, डन है तो डिड, डन का जो सेकेंड फॉर्म होता है डू का वो डिड होता है, डन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ डू, सो यहाँ पर हम डिड लिखेंगे, आई डिड दिस वर्क, सिंपल है, ओके फ्रेंड्स। इसमें ये सिंपल वाला मैं एक्टिव और पैसिव बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल है जो सबके समझ में आता है और आ जाता है अच्छी तरह से, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसको हम ट्रांजेक्टिव और इनट्रांजेक्टिव बोलते हैं। दिस ऑल आर द ट्रांजेक्टिव सेंटेंसेस, ट्रांजेक्टिव मतलब सकर्मक, जिसमें कर्म हो, जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, लेकिन कुछ सब सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो इनट्रांजेक्टिव होता है, मीन्स उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, दिस वर्क वॉज डन, डन मतलब यह काम हो गया या कर दिया गया, खाली इतना ही रहता है, दिस वर्क वॉज डन बाई मी या बाई कुछ ऐसा नहीं लिखा रहता उसमें, उसमें नहीं रहता है, तो उसको हम इंट्रांजेक्टिव बोलते हैं, जिसको मैं बनाने के लिए आपको बाद में बताऊंगा। सब जितने भी ट्रांजेक्टिव सेंटेंसेज और इंट्रांजेक्टिव सेंटेंसेज है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उस पर मैं चर्चा करूंगा विस्तार से, ठीक है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा समझना पड़ता है, पहचानना ज़रा मुश्किल होता है, तो उस पर हम विस्तार से एक वीडियो बनाएंगे अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह था हमारा आज का टॉपिक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं गुजारिश करना चाहूँगा उन नए दोस्तों से जो हमारे चैनल पर नए हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको इंग्लिश सीखने का मन है, उनकी चाहत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।